नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के केस के बारे में। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है पैनिक डिसऑर्डर पे और पैनिक अटैक्स पे, उसमें मैंने पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और वो डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, ये सब डिटेल्स में बताया है। लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि पैनिक अटैक यानि सडन अनचाहा डर पैदा होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना छूटना और उसकी वजह से ऐसा लगना कि अब मैं मर जाऊंगा और अब ये मेरा आखिरी समय आ गया है, ऐसा एकदम से अचानक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा डर निर्माण होता है, उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। कुछ दिनों पहले मेरे कंसल्टेशन ओपीडी में एक व्यक्ति आए थे, करीबन 40 साल के होंगे, और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि करीब करीब 6 महीने से मुझे ये प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ। एक दिन मैं स्कूटर चला रहा था, अचानक से चेस्ट में पेन हुआ और घबराहट शुरू हो गई, कंधा दर्द करने लग गया, पसीना आ गया, घबराहट बहुत हो गई, हाथ पैर कांपने लगे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं वहीं एक 10 मिनट के लिए बैठ गया और फिर धीरे धीरे ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होते गया, कम होते गया और फिर मैं 10 मिनट में अच्छा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गया, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ECG निकाला, लेकिन ECG नॉर्मल था, सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे और मैं वापस घर आ गया। फिर वापस एक 15 दिन बाद मुझे वापस वही एपिसोड या अटैक जिसको बोलते हुआ, मैं वापस डॉक्टर के पास गया कि मुझे ऐसा चेस्ट पेन हो रहा है, सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, और डॉक्टर ने वही ECG किया, वापस टेस्ट किए, सब नॉर्मल थे। और ऐसा उनको हर महीने में दो तीन बार हो रहा था। 2-3 महीने होने के बाद फिर जब वो उनके फैमिली डॉक्टर के पास गए तो फैमिली डॉक्टर ने उनको कहा कि शायद ये पैनिक अटैक्स आपको आ रहे हैं और उसकी वजह से आपको ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब इसमें क्या हो गया कि 3 महीने से ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया। वो उन्होंने जाना आना कम कर दिया, बाहर अकेले जाना कम कर दिया, ऑफिस में भी किसी को साथ में लेके जाते थे। उनके मन में डर बैठ गया कि अगर मुझे पैनिक अटैक आ गया तो, और वो डर के मारे में क्या करूँगा, टाइम पे कहाँ जाऊँगा, कैसे मैनेज करूँगा, ये अटैक आ गया तो मैं कैसे करूँगा। तब तक उनको मालूम ही नहीं था कि इसको पैनिक अटैक बोलते हैं और इसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो अपने आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो रही थी, उनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, वो कहीं आ जा नहीं पा रहे थे और फिर उसके वजह से उनको बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन आ रहा था क्योंकि वो इतने हेल्पलेस फील करने लगे थे। आखिर में फिर वो फिजिशियन के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास गए, सबने उनको वही सलाह दी कि आपको एक्चुअली फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड है और आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर ऑलमोस्ट 6 महीने बाद, ये प्रॉब्लम शुरू होने के 6 महीने बाद वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए और उन्होंने उनको मैंने सब हिस्ट्री लेके, सब जानकारी लेके उनको समझाया कि ये पैनिक डिसऑर्डर है। उनकी तीव्रता बढ़ने लगी थी, अब उनको करीब करीब महीने में 4 से 5 अटैक आने लगे थे, वो अटैक भी तीव्र थे और उसका जो समय था वो भी बढ़ने लगा था और उसकी वजह से ये जो है इसका प्रॉब्लम और ज़्यादा होने लगा था। तो मैंने उनको ये समझाया, उनको ये बताया कि इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है, आप पूरी तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि इसमें से मैं बाहर निकल पाऊँगा, वो इतने डिस्टर्ब हो गए थे इस चीज़ से। लेकिन मैंने उनको समझाया कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर जो मैं बोलूँगी वो फॉलो करेंगे, उसके लिए साइकोथेरेपी लेंगे तो ज़रूर इससे आप बाहर आओगे। फिर उनको मैंने एंटी एंग्जाइटी मेडिसिंस, एंटी डिप्रेशंस पे डाला, उनको शुरू किया दवाई और धीरे धीरे करके उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व होते गए, उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्टअप होते गया। अब वो और फिर वो अकेले बाहर जाने लगे, उनको वो जो डर था कि अगर मुझे वापस अटैक आ गया तो मैं क्या करूँगा, ये डर की वजह से वो बाहर भी नहीं जाते थे, अकेले नहीं जाते थे, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे।
इसके साथ साथ इंडिविजुअल काउंसिलिंग, हिप्नोथेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, इससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे करके वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। तो ये था केस पैनिक अटैक्स का या और पैनिक डिसऑर्डर का। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हर बार ऐसा होता है कि वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं या फिजिशियन के पास जाते हैं, जांच कर लेते हैं, नॉर्मल रही कि फिर बोलते हैं कि ठीक है, फिर वापस कुछ दिनों बाद ऐसा होता है और वो चलते रहता है। और लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी लाइफ सफ़र होने लगती है, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट की सलाह लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, जो थेरेपी बोली वो आप शुरू कीजिए, ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और आपकी नॉर्मल लाइफ आप जी सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।